तो आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। क्लास 12th मैथ, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और इसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज जो है 1.1, उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है कि नहीं है। ये आपको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन जो है, ये पांच रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कौन स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, तीनों को आपको चेक करना है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, तो इसमें आप देखोगे कि एक सेट है ए, जिसमें 1 2, तो यहाँ पे एरो डायग्राम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो कि एक रिलेशन जो डिफाइंड है वो सेट ए टू ए, ठीक है, तो ए टू ए रिलेशन है। और रिलेशन में अगर आप देखोगे तो 3x - y = 0 दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 3x - y = 0 है, यहाँ से y = 3x आप बना सक दो। तो y क्या होगा, तो y मतलब ए आउटपुट साइड में जो आएगा उसको y बोलेंगे, और जो इनपुट साइड में है उसको हम x बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 up to 13 14 है, और यहाँ सेट में भी लिखेंगे 1 2 3 4 up to 13 14। और इस रिलेशन को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, इसमें होना क्या चाहिए कि जो बाई होना चाहिए वो एक्स का 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ढूंढोगे रिलेशन तो 1 का 3 गुना कौन होगा, तो 3 होगा। फिर 2 का 3 टाइम्स अगर करोगे तो 6 हो जाएगा, कहीं इधर मिलेगा 6, इसी टाइप से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, लिख के दिखाते हैं। एक्स का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये 3 मिलेगा, y का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 6 मिलेगा, सॉरी x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो y 6 मिलेगा। इसी तरह से अगर x का वैल्यू 3 लेंगे तो y 9 मिलेगा, और x का वैल्यू अगर 4 लोगे, ठीक है, तो y का वैल्यू 12 मिलेगा। और 5 यहाँ ले सकते हैं क्या, x की जगह 5 लोगे तो अगर 5 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 15 एलिमेंट जो है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इसके आगे कोई भी नहीं ले सकते हैं। 6 लेंगे तो 18 हो जाएगा, तो ये सब तो है नहीं, तो बस इतना ही हो जाएगा। अब इस रिलेशन को आप चेक कर सकते हो कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य मतलब क्या होता है कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। अगर आपको स्वतुल्य चेक करना है तो चेक करना होगा कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ लिखना होगा कि 1 और 1 जो है इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए आर जो है वो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं सममित। तो सममित में देखो क्या चेक करना होता है कि अगर ए बी इस रिलेशन का हिस्सा है तो बी ए, मतलब इसका उल्टा भी इस रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे कि 1 3 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो 3 1 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो आंसर है कि नहीं है। 3 1 तो इस रिलेशन में कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर है कि ये सममित भी नहीं है, न तो स्वतुल्य है न तो सममित है, ठीक है। एक और बचा संक्रामक, तो संक्रामक को भी चेक कर सकते हो। तो संक्रामक का कंसेप्ट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे संक्रामक का कंसेप्ट ये होता है कि अगर ए और बी इस रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है, एंड बी सी रिलेशन का हिस्सा है, तो इससे ए सी भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो संक्रामक है। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 1 3 इस रिलेशन का हिस्सा है, और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई प्रेजेंट है, दस प्रेजेंट है, 3 9, तो लिखेंगे एंड 3 9 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो क्या 1 का रिलेशन 9 के साथ मिल रहा है, तो आंसर है कि नहीं है, 1 9 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। तो आंसर है कि ना तो ये सममित है, तो ये रिलेशन जो है संक्रामक नहीं है। तो ना तो ये सममित है, ना तो संक्रामक है, ना तो स्वतुल्य है, ये तीनों में से कोई भी रिलेशन में नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे, अगर फर्स्ट का सेकंड, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो एक्स बाई सच दैट बाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, एक्स लेस देन 4। तो ए रिलेशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बाई जो है एक्स का एक्स से 5 बड़ा होना चाहिए, और एक्स क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। यहाँ देखो नेचुरल नंबर पे एन लिखा हुआ था, नेचुरल नंबर पे कोई सेट डिफाइंड है,
और एक्स का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो एक्स में कौन कौन ले सकते हैं, तो आंसर है कि 1, 2, 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो और बाई में कौन कौन ले सकते हैं, तो बाई में यहाँ पे कौन कौन आएगा, तो आप एक से 5 बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 1 से 5 बढ़ा दो, तो 6 होगा, फिर 8 होगा और फिर 9 होगा। यानी रिलेशन को अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें तो ए 1, 6 बनेगा, 2, 8 बनेगा और 3, 9 बनेगा। अब इस रिलेशन को चेक करना है कि स्वतुल है कि नहीं, सममित है कि नहीं और संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले स्वतुल आप चेक कर सकते हो खुद, क्या 1, 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो आंसर है कि 1 और 1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर इस रिलेशन का 1, 1 हिस्सा नहीं है, 2, 2 हिस्सा नहीं है, तो ये स्वतुल नहीं होगा, तो आंसर है कि स्वतुल नहीं होगा। तो ये लिख लेना कि स्वतुल नहीं है। इसी तरह से हम चेक करेंगे सममित। सममित अगर चेक करोगे तो मान लो कि 1, 6 इस रिलेशन में हिस्सा है, ठीक है। तो 1, 6 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो इसका उल्टा मतलब 6, 1 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो 6, 1 अगर इस रिलेशन का हिस्सा है नहीं है, तो सममित भी नहीं है। अब चेक कर लेते हैं संक्रामक। देखो संक्रामक में हम लोग ढूंढेंगे कि क्या कोई ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है, जैसे 1, 6 यहाँ पे है, तो 6 से शुरू होने वाला कोई है, तो आंसर है नहीं है। 2, 8 8 से शुरू होने वाला कोई है, तो नहीं है। 3, 9 9 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो कोई भी ट्रांजिटिव पेयर नहीं बन रहा, इसलिए संक्रामक होगा, ठीक है। अगर कोई कंडीशन को अगर संक्रामक नहीं है, तो बताना पड़ेगा कि ए बी अगर रिलेशन है और बी सी भी इस रिलेशन का हिस्सा है, तो बताना होगा कि ए सी इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगर हिस्सा अच्छा मान लो कि ये ट्रांजिटिव पेयर बने ही नहीं, ठीक है, तो भी संक्रामक हो जाएगा, तो आंसर है कि इसमें ये संक्रामक होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे क्या है कि एक से बाई भाज्य है, बाई भाज्य है एक से। तो यहाँ पे देखो फिर से ऑर्डर पेयर बना के देख सकते हो, ए और ए यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा ये रिलेशन जो है वो ए टू ए डिफाइंड है, तो इस रिलेशन को अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे, रिलेशन सबसे पहले सेट बिल्डअप फॉर्म या समुच्च निर्माण विधि में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बाई इक्वल टू सॉरी बाई जो है वो एक से भाज्य है, बाई एक से भाज्य है, मतलब भाज्य है मतलब डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखना होगा कि एक से भाज्य कौन कौन है, जैसे 2, तो 2 किससे किससे भाज्य है, तो एक से भाज्य है, तो इससे रिलेशन बनेगा। 2 किससे भाज्य है, तो 2 से भी भाज्य है, तो इसके साथ रिलेशन बनेगा। 1 यहाँ 1 से भाज्य है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन बनेगा। फिर 3 को उठा के देखना होगा किससे किससे भाज्य है, तो 3, 1 से भाज्य है, तो यस भाज्य है। फिर 3, 3 से भी भाज्य है, तो इसके साथ बनेगा। और 4, 5, 6 से तो भाज्य नहीं होगा। 4 किसके किसके साथ भाज्य है, तो ये भी देखना होगा। 1 से तो सब भाज्य होगा, तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4, 4 से तो भाज्य है ही, तो 4 के साथ ऐसे बन जाएगा। इसी तरह 5 किससे किससे भाज्य है, तो 5 एक तो खुद से भाज्य है मतलब 1 से भाज्य है, और एक 5, 5 से भाज्य है। इसी तरह से 6 तो 6 से भाज्य है ही, ये 3 से भी भाज्य है और साथ ही साथ 1 से भी भाज्य है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा इसमें पेयर बन रहा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरह से बना सकते हो। हाँ आई होप ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से बना सकते हो। अच्छा एक मिनट, एक तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आप इसको लिख के बना सकते हो, ठीक है। और एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, एक तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लिए कि इसमें कौन कौन मिला, 1 का रिलेशन 1 के साथ मिला तो यस मिला, फिर 1 का रिलेशन किसके साथ मिला, तो 1 का रिलेशन तो सबके साथ मिल रहा है, 1, 2 भी मिल रहा है क्योंकि 1 से सब कट जाएगा, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है। इसके बाद 2 का रिलेशन किसके किसके साथ मिला, तो 2 का 2 के साथ मिला, और 2 किसको किसको काट रहा उसको लिख लेंगे, 2, 4, 2, 6। फिर 3 को 3 काट रहा है, 3 को 6 काट रहा है, ठीक है। इसके बाद 4
तो चार को ही काटेगा, बाकी किसी को काटेगा नहीं। पांच, पांच को ही काट रहा है, और सिक्स, सिक्स को ही काटेगा, बाकी तो किसी को नहीं काटेगा। तो ये रिलेशन मिल गया। अब इसमें आप चेक कर सकते हो कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक कर सकते हो, मतलब स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के चेक करना है कि 1 1 2 2 3 3 ऐसा प्रेजेंट है कि नहीं है। तो तुम देखोगे अगर यहाँ पे, तो मतलब 1 1 भी है, और यहाँ पे देख लो 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो ये सारा प्रेजेंट है, मतलब ए बिलोंग्स टू ए हो रहा है, ठीक है, ए का रिलेशन ए के साथ हो रहा है, तो इसलिए हम ए इसको बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है। तो इसके बाद आप चेक कर सकते हो क्या चीज़ के लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए अगर चेक करोगे तो इसमें चेक करना होगा कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, अगर ए है तो सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक एलिमेंट को उठा के चेक कर सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 3 लिए, क्या 3 1 प्रेजेंट है, तो आंसर है कि नहीं प्रेजेंट है। तो कोई एक भी अगर वायलेट हो गया, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि सममित नहीं होगा। तो ये सममित के लिए कर रहे हैं। तो 1 3 हम लिखेंगे रिलेशन का हिस्सा है, लेकिन 3 1 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए सममित नहीं होगा। सिमिलरली आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए भी अगर चेक कर लें यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव के लिए अगर आप चेक करोगे तो इसमें चेक करना होता है कि अगर ए बी इस रिलेशन का हिस्सा है एंड बी सी भी इस रिलेशन का हिस्सा है। ऐसे भी आप सोच सकते हो कि ए जो है, मतलब इसमें ऐसे कि बी ए से भाज्य है, ठीक है, और सी बी से भाज्य है, बी ए से भाज्य है, तो क्या सी और ए में रिलेशन मिलेगा, मतलब क्या सी ए से भाज्य होगा। तो आंसर है कि बिल्कुल होगा, ठीक है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी, देखो हम बताते हैं, जैसे मान लो कोई 1 3 है, तो 1 3 है इस रिलेशन का हिस्सा, तो देखना होगा कि 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है। तो मान लो कि 3 से स्टार्ट होने वाला एक 3 6 है, यहाँ पे 3 6 है, तो देखना होगा कि 1 6 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसी तरह से सारा पेयर आप चेक कर सकते हो, तो आंसर है कि ये ट्रांजिटिव होगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी है, और कौन नहीं हुआ है, सममित नहीं है, तो सममित नहीं होगा, बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समस्त समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, अब यहां पे जेड पे कोई एक रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है, तो जेड में आर इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो देखो अगर कोई इनफाइनाइट सेट दिया हुआ इस टाइप से, ठीक है, जेड है, एन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए ना आप ऑर्डर पे हमें लिख के नहीं बना सकते, क्योंकि ऑर्डर पे तो बहुत सारा जनरेट होने वाला है यहाँ पे, तो आपको लॉजिक से सोचना होगा। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 समझाते हैं। तो यहाँ पे आर इक्वल टू है एक्स बाई, सच दैट एक्स माइनस बाई क्या लिखा हुआ है कि पूर्णांक है, और पूर्णांक के ही समुच्चय में देखना है, यानी कि जेड भी रियल नंबर है, यानी कि जो रिलेशन डिफाइंड है वो कोई पूर्णांक पे ही डिफाइंड है। तो पूर्णांक है मतलब 0 1 2 3, ऐसे पूर्णांक निगेटिव में भी होता है, -1 -2, ठीक है। तो ये जेड पे रिलेशन डिफाइंड है, और कह रहा है कि एक्स माइनस वाई भी पूर्णांक होना चाहिए। तो आप सोच सकते हो, जैसे सबसे पहले हम सोचते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स का रिलेशन अगर एक्स के साथ होगा तो ये स्वतुल्य होगा। तो एक्स का रिलेशन एक्स के साथ कैसे चेक करना है, हमको चेक करना होगा कि एक्स माइनस एक्स, देखो अगर स्वतुल्य चेक करना है तो दोनों को सेम कर लो, ठीक है, यहाँ अगर एक्स रख रहे हो तो यहाँ भी एक्स रखो, और सोचो कि दोनों को जो भी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो एक्स माइनस एक्स क्या पूर्णांक है ये सोचना है। तो आंसर है कि एक्स माइनस एक्स 0 0 एक पूर्णांक है, तो बिल्कुल इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यह स्वतुल्य है, तो ये स्वतुल्य होगा। क्यों, क्योंकि एक्स का रिलेशन एक्स के साथ मिल रहा है। और नेक्स्ट में चेक करते हैं,
सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो सममित के लिए अगर आप चेक करोगे कि x का रिलेशन अगर y के साथ है, यानी x माइनस y अगर पूर्णांक है, तो क्या y माइनस x एक पूर्णांक होगा? तो आंसर है कि बिल्कुल होगा, यानी कि y का रिलेशन x के साथ होगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो देखो बताते हैं, अगर 3 - 1 - 2 एक पूर्णांक है, तो 1 - 3 - 2 भी एक पूर्णांक का ही हिस्सा है। देखो यहाँ पे पूर्णांक में निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर x का रिलेशन y के साथ है तो y का भी रिलेशन x के साथ होगा। इसीलिए हम लिखेंगे कि यह सममित भी है, तो ये रिलेशन सममित भी है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए कैसे चेक करोगे? तो अगर संक्रामक के लिए चेक करना है तो आप सोचो कि अगर x का रिलेशन y के साथ है एंड y का रिलेशन अगर z के साथ है, तो क्या x का रिलेशन z के साथ होगा? यानी कि अगर सोचना है कि x माइनस y अगर कोई पूर्णांक है, ठीक है, y माइनस z भी कोई पूर्णांक है, ठीक है, तो पूरा लिख देते हैं यहाँ पे पूर्णांक, और अगर ये पूर्णांक है तो क्या x माइनस z पूर्णांक होगा? तो आंसर है कि बिल्कुल होगा। दो पूर्णांक में से अगर पूर्णांक को घटाएंगे तो हमेशा पूर्णांक ही बचेगा, ठीक है, तो इसका मतलब x का रिलेशन z के साथ है, तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों है। और जब तीनों रिलेशन रहता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेलेंस रिलेशन, या तुल्यता संबंध भी बोलते हैं। तो ये रिलेशन को हम तुल्यता संबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूह में निम्नलिखित संबंध आर, और आर बराबर लिखा हुआ है x बाई x तथा बाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आप सोचो कि x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। अगर मान लो कि इसको चेक करना है स्वतुल्य, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं? तो ये तो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि सही होगा क्योंकि एक आदमी x है और दूसरा आदमी भी x है, तो दोनों अगर सेम ही आदमी तो एक ही प्लेस पे कार्य करेगा, अलग प्लेस पे कहाँ से कार्य करेगा? तो आंसर है कि x का रिलेशन x के साथ है। आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं है। x तथा x एक ही साथ कार्य करते हैं, ये रिलेशन मतलब x का रिलेशन x के साथ वैलिड है, इसीलिए r स्वतुल्य है। देखो अगर कोई रिलेशन नहीं है तो आपको एक उसका एक एग्जाम्पल देना होगा, अगर है तो वैसे ही लिख देना है। जैसे हम मान लो कि चेक कर लेते हैं, स्वतुल्य चेक कर लिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर सममित। सममित में क्या कहता है कि अगर x का रिलेशन y के साथ है तो कैसा रिलेशन है? देखो कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्या यहां से हम उल्टा लिख सकते हैं कि y तथा x एक ही स्थान पर कार्य कर सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम मान वो बोलें कि दो आदमी हैं, ठीक है, राम और श्याम, तो राम और श्याम कहीं पे एक ही जगह पे कार्य करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो हम उल्टा अगर बोल देंगे श्याम और राम भी एक ही जगह पे कार्य करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बाई का रिलेशन एक्स के साथ है, इसीलिए आर जो है, ये रिलेशन जो है, ये संबंध जो है वो सममित है। तो बस एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख देना अगर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं। इसी तरह से आप सोचो ट्रांजिटिव के लिए या संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अगर इस रिलेशन को सोचोगे संक्रामक, तो आंसर है कि x का रिलेशन y के साथ है एवं y का रिलेशन z के साथ है, तो x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? z के साथ होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। ये दोनों के आधार पे आपको प्रूफ करना है कि x का रिलेशन z के साथ है। अगर वो हो गया तो संक्रामक भी हो जाएगा। तो आप सोचो, हम तुमसे बताएं कि मान लो कि यहाँ पे एक प्लेस है, ठीक है, हम बोले कि x और y यहाँ पे काम करते हैं, फिर हम बोले कि नहीं y और z भी यहाँ इसी प्लेस पे काम करते हैं, यानी x का रिलेशन बाई के साथ कैसा है कि एक और बाई एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, तो ये स्थान हो गया, ठीक है। मान लो ये कोई भी स्थान हो गया, कोई ऑफिस हो गया, कॉलेज, कुछ भी हो गया, तो एक और बाई इस स्थान पे काम कर रहे हैं, तो एक का रिलेशन बाई के साथ वैलिड है। अब बाई एवं जेड एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो बाई और जेड, तो क्या एक और जेड भी सेम स्थान पे काम कर रहे हैं? तो आंसर है कि यस कर रहे हैं।
तो एक्स का रिलेशन जेड के साथ भी हो गया, यानी कि ये एक ऐसा संबंध है, तुल्यता संबंध का एग्जाम्पल है। तो बस आपको चेक करना है, तुल्यता मतलब जो सतुल भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तुल्यता संबंध हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं इसका। तो अगर बी में देखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, सेम क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है वही एक क्वेश्चन है, तो ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्स बाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसे सोच लो कि एक्स जो है बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है या लंबा है। हम इसको इस टाइप से इक्वेशन बना सकते हैं। तो मान लो कि इसको अगर चेक करना है स्वतुल्य है, तो क्या एक्स का रिलेशन एक्स के साथ होगा? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7? आंसर है कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो कि हम 2 और 2, क्या इस रिलेशन का हिस्सा है? क्या हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 2 प्लस 7? यहाँ पे एक्स की जगह 2 और बाई की जगह 2 रखने से क्या LHS RHS बराबर होगा? तो आंसर है कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 2 और 2 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगर मैथमेटिकल सोचे तब। तो इसी तरह से दो आदमी के बीच में यहाँ सोचना है, क्या एक्स जो आदमी है वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? तो आंसर है कि नहीं हो सकता, इसलिए सतुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट इसमें हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में चेक करोगे, अगर हम ऐसे लिखे कि एक्स बाई से, एक्स का रिलेशन बाई के साथ, तो एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या उल्टा लिख सकते हैं कि बाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है? तो आंसर है कि लंबा नहीं होगा वो, और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है। तो ये लिखना पड़ेगा कि नहीं है। ठीक है, यानी कि बाई जो है एक्स जो है इस रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा, इसीलिए आर कैसा नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, इस टाइप से हो जाएगा, तो ये सममित नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं संक्रामक। तो संक्रामक अगर चेक करना चाहते हो, अगर हम लिखे कि एक्स का रिलेशन बाई के साथ है एवं बाई का रिलेशन जेड के साथ है, मतलब एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और इसी तरह से लिखे कि बाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है या जेड एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है? तो आंसर है कि नहीं होगा, वो तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक नंबर लिए मान लो कि 2 और इसे 7 बड़ा ले लो तो 9 हो जाएगा, फिर एक नंबर लिए 9 और इसे 7 बड़ा ले लिए 16, तो क्या इस नंबर से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? तो आंसर है कि नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर है कि ये संक्रामक नहीं होगा। आपको लिखना कैसे है, तो इसी टाइप से लिखना है कि एक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यहां से हम ये नहीं लिख सकते हैं कि जेड एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, नहीं लिख देना है। तो इसमें लास्ट में लिखना है कि एक्स जो है वो जेड इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। एक्स वाई तो है, वाई जेड तो है, लेकिन एक्स और जेड इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो ए रिलेशन ना तो सिमेट्रिक हुआ, ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, तो तीनों में से कोई नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो देखो डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स बाई की पत्नी है। अब एक्स एक्स की पत्नी है, क्या ये स्टेटमेंट लिखा हुआ सही है? बस तुमसे क्वेश्चन मैंने पूछना चाह रहा है कि तुमको इतना कॉमन सेंस काम करता है कि नहीं करता है। एक आदमी खुद की पत्नी है, क्या ऐसा हो सकता है? आंसर कि नहीं हो सकता है। तो ये हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। आंसर है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं लिख सकते एक्स एक्स की पत्नी है, हम नहीं लिख सकते, पत्नी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एक्स जो है एक्स इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। सेकेंड नंबर में सोचो जिसको सममित बोल रहे हैं, सिमेट्रिक। तो सममित में सोचोगे कि एक्स रिलेशन बाई है, तो क्या बाई रिलेशन एक्स होगा? अगर हम लिखे एक्स बाई की पत्नी है, सॉरी इधर से पत्नी है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि बाई एक्स की भी पत्नी है? तो आंसर एक नहीं लिखाएगा, क्योंकि अगर एक्स बाई की पत्नी है तो बाई एक्स का पति हो जाएगा, है ना? तो ए रिलेशन भी संक्रामक नहीं हो, सॉरी सममित नहीं होगा। इसी टाइप से आप सोचो कि एक्स रिलेशन बाई एवं बाई रिलेशन जेड, ठीक है, तो
एक्स रिलेशन वाई, वाई रिलेशन जेड, ऐसा नहीं बन सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। चलो ई नंबर में देख लो, एक्स वाई, एक्स वाई के पिता है तो ये सेम टाइप का है, ठीक है, तो इसको अभी आप चेक कर सकते हो, तो दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समूह आर ए बी। अब यहाँ पे देखो कोई भी वास्तविक संख्या पर एक समूह डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या समूह है, तो ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए रिलेशन के बारे में आपको बताना है कि न तो ये स्वतुल्य है, न तो सममित है और न तो संक्रामक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि रिलेशन स्वतुल्य है कि नहीं, और हमको प्रूफ करना है। चेक क्या करना है, प्रूफ करना कि स्वतुल्य नहीं है। तो आपको स्वतुल्य के लिए क्या करना होगा कि देखना होगा कि क्या हम a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आंसर एक नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, कोई एक नंबर लो जैसे 2 और 2 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो आंसर एक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 जो है, अच्छा a तो हो जाएगा, ठीक है इसको काट देते हैं, 2 और 2 यहाँ पे हो जाएगा। कौन नहीं होगा, जैसे देखो 1/2 ले लो, 1/2 और 1/2 इस रिलेशन का हिस्सा है, तो आंसर एक नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है, 1/2 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये छोटा नहीं होगा, 1/2 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/4। तो ये 1/2 और 1/2 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। ऐसे यहाँ पे एक कंसेप्ट बता देते हैं, आप लोग याद रखना, कोई भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, और वो नंबर में क्या रिलेशन हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, तो आंसर है कि तीनों रिलेशन हो सकता है कोई भी रियल नंबर के लिए। ये दोनों इक्वल होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 ले लोगे और 1 ले लोगे तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है, और जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा रखोगे, ठीक है, 1 से 1 पे इक्वल का साइन नहीं, 1 से बड़ा रखोगे तो, अगर 1 से बड़ा रखोगे या x का वैल्यू -1 से छोटा रखोगे, तो इस समय x स्क्वायर बड़ा होगा x से। जैसे आप मान लो 2 लिए, तो 2 का स्क्वायर बड़ा है 2 से, 3 स्क्वायर बड़ा है 3 से, या -3 स्क्वायर बड़ा है 3 से, ये हम चेक कर सकते हैं। और एक चीज और याद रखना कि अगर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, तो इस समय x बड़ा हो जाएगा x स्क्वायर से। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया यहाँ पे, जैसे हम लिख सकते हैं कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि समझ में आ गया कि 1/2 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। हम कोई भी वास्तविक संख्या के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो 1/2 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं। इसी तरह से आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे हम ले लिए 0.6, ठीक है, ये इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, 0.4, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है। कोई भी नंबर -1, 1, 1 के बीच में आप उठा के आप लिख सकते हो, तो ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है, मतलब ये खुद से रिलेटेड नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। चलो अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन जो है यहाँ पे, ये जो रिलेशन है क्या ये सममित है कि नहीं है। तो अगर सममित चेक करना है तो यहाँ पे देखिए, सममित के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, तो कोई भी दो वास्तविक संख्या में रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो सममित चेक करना है, तो आप सोचो कि अगर मान लो कि 2 और 4 इस रिलेशन का हिस्सा है, मतलब कहने का मतलब कि 2 जो है छोटा है किससे, 16 से, तो क्या इसका उल्टा वैलिड है, मतलब क्या 4 और 2 भी इस रिलेशन का हिस्सा है, या चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि, अच्छा ये रिलेशन ही है, मान लो कि यहाँ ले लेते हैं 1 और 3, ठीक है, इस रिलेशन का हिस्सा है, तो आंसर है कि हाँ है, 1 लेस देन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, यानी 1 लेस देन 9। तो हम इसे चेक करते हैं कि क्या
थ्री और वन इस रिलेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो इसको अगर चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए हमको सोचना होगा कि थ्री लेस देन इक्वल टू वन स्क्वायर है, जो कि नहीं है, ये वैलिड नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं कि रिलेशन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए आर जो है वो सममित नहीं है। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, सममित नहीं है। तो ये सममित नहीं है, अभी प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट में बच गया संक्रामक। तो संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे? तो संक्रामक सिद्ध करने के लिए देखो, संक्रामक सिद्ध करने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना होगा कि ए बी जो है इस रिलेशन का हिस्सा है एंड बी सी भी इस रिलेशन का हिस्सा है। तो हमको यहाँ पे अगर संक्रामक नहीं प्रूफ करना है तो हमको प्रूफ करना होगा कि, मतलब कोई एक एग्जांपल लेकर बताना होगा कि ए सी इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो थ्री और थ्री टू ले लेते हैं। थ्री टू इस रिलेशन का हिस्सा है, देख लेते हैं। थ्री लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर, यानी कि फोर, ये सही है। और एक एक ले लेते हैं यहाँ पे टू, और सपोज दैट ले लेते हैं 1.5। अच्छा चेक कर लेते हैं यहाँ पे वैलिड है कि नहीं है। मान लो कि यहाँ ले लेते हैं टू लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2.25, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो क्या 3 और 1.5 में रिलेशन है? तो ये चेक करना होगा कि 3 और 1.5 में रिलेशन हो है कि नहीं, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर है। तो आंसर है कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 ग्रेटर देन हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर 2.25, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके आपको बता देना है कि ये संक्रामक क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि ए बी रिलेशन का हिस्सा है, बी सी रिलेशन का हिस्सा है, लेकिन ए सी रिलेशन का हिस्सा नहीं है। चलिए तो ये हम लोग तीनों प्रूफ कर दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि न तो ये सतुल है, न तो संक्रामक है, और न तो सममित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कर रहा है कि जांच करे कि समोच दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 आर इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित है। अब चेक करना है कि ये फिर से वही स्वतुल, सममित या संक्रामक है कि नहीं है, ये चेक करना। मतलब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में ले लेते हैं कि आर क्या है भाई, तो एक रिलेशन में है ए और बी में रिलेशन सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। और चलो इसको एरो डायग्राम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे है सेट ए टू ए। अच्छा देखो, एरो डायग्राम से कब बनाते हैं, जब यहाँ पे सेट में ना कुछ फाइनाइट आपको, मतलब कि एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर पेयर में कुछ लिमिटेड आएगा, बहुत सारा एलिमेंट नहीं आ रहा, तो हम लोग मतलब ए से बना लेते हैं। इससे बनाना ज़्यादा आसान है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे बी मतलब क्या है, इसका आउटपुट होगा, और ए मतलब ये इनपुट की तरफ का एलिमेंट को ए बोलेंगे। क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो 1 प्लस 1 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 2 प्लस 1 करोगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 प्लस 1 कितना मिलेगा, 4। 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 1 कितना होगा, तो 6 होगा, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो अगर रिलेशन के अंदर लिखेंगे तो 1 2 आ जाएगा, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, यही आएगा। 6 का रिलेशन किसी के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 प्लस 1 7, 7 तो इधर है नहीं, तो इसलिए नहीं होगा। अब आप चेक कर लो कि ये रिलेशन स्वतुल्य है कि नहीं है। तो आंसर है कि स्वतुल्य नहीं है। तो स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं प्रेजेंट है। इसके बाद आपको चेक कर लो कि सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए क्या चेक करते हैं कि अगर 1 2 है, ठीक है, तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 2 1 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, तो सममित भी नहीं है। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं संक्रामक, कि संक्रामक है कि नहीं है। जैसे मान लो को 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 है रिलेशन में, तो आंसर है कि 1 3 नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में आता है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि ए और बी में रिलेशन है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रूफ भी करना है कि स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है, ए क्वेश्चन है। तो देखो ए लेस देन इक्वल टू बी है, क्या ए लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हो? सममित, सॉरी सममित नहीं, सबसे पहले किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य में हम क्या देखते हैं कि ए का रिलेशन ए के साथ, तो आंसर है कि यस लिख सकते हैं। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हो सकता है कि अगर रिलेशन लेस देन का है तो भी सही है, अगर इक्वल का है तो भी सही है, ठीक है। तो ए इक्वल टू ए तो है ही, तो यहाँ पे वैलिड है, तो हम लिख सकते हैं कि ए और ए इस रिलेशन का हिस्सा है, इसलिए आर स्वतुल्य है, बस इतना ही लिख देना। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ए क्या रिलेशन सममित है कि नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए अगर आप चेक करोगे ए लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या बी लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हैं? तो आंसर है कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों? जैसे कि एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो कि टू फोर इस रिलेशन का हिस्सा है, दो छोटा है चार से, तो क्या हम लिख सकते हैं कि चार भी छोटा है दो से? तो आंसर है कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि फोर टू इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए सममित नहीं है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं संक्रामक। तो अगर संक्रामक चेक करना है यानी ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में सोचो कि अगर तुम लिख सकते हो ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन सी, यानी ए छोटा है बी से या बराबर है और बी छोटा है सी से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए छोटा है सी से, ठीक है। एक नंबर है जो छोटा है बी से और बी जो है छोटा है सी से, जैसे देखो दो छोटा है चार से, चार छोटा है छः से, तो दो छः से तो पक्का छोटा ही होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी ए का रिलेशन सी के साथ मिल गया, इसलिए संक्रामक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर फोर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव क्वेश्चन नंबर क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू है, ठीक है। अब इसको जांच करना है कि स्वतुल है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है एग्जैक्टली इस टाइप का ही क्वेश्चन है, जैसे इसको किए थे वैसे ही एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर फाइव को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम सिक्स को देख लेते हैं। सिक्स में क्या है कि वन टू थ्री और रिलेशन में वन टू टू वन है, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि आपको ये सममित, स्वतुल और संक्रामक, ये तीनों में से सममित तो है लेकिन प्रूफ करना है कि, तो देखो एरो डायग्राम से कर लेते हैं। यहाँ वन टू थ्री लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है वन टू थ्री, ठीक है। कोई सेट ए है और इस पर एक रिलेशन है आर। तो यहाँ पे वन का रिलेशन किसके साथ है? तो यहाँ पे देखो वन का रिलेशन टू के साथ है, तो वन का रिलेशन टू के साथ, और टू का रिलेशन किसके साथ? तो टू का रिलेशन वन के साथ, ऐसा है। तो रिलेशन में देख सकते हो कि ना तो वन वन है और ना तो हम लिखेंगे कि वन और वन इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, तो ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन टू है, क्या इसका उल्टा प्रेजेंट है? तो यस प्रेजेंट है, तो इसके आधार पे हम लिख सकते हैं कि यस सममित है, यानी कि सिमेट्रिक है। और संक्रामक, संक्रामक क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पे वन टू इस रिलेशन का हिस्सा है एंड टू वन इस रिलेशन का हिस्सा है, तो यहाँ पे देखोगे तो ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है वन से टू, टू से वन, तो वन वन भी होना चाहिए था, वन वन इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर सिक्स का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कह रहा है कि सीध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में, देखो आर यहाँ पे है, पुस्तकालय में क्या है? पुस्तकों के समुच्च एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो प्रूफ करना है कि तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले समझना होगा कि तुल्यता संबंध होता क्या है। तो तुल्यता संबंध उसको बोलते हैं जो स्वतुल्य भी हो, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, यानी कि ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। तो तीनों रिलेशन अगर वैलिड है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो हम बोलेंगे कि वो तुल्यता संबंध है, मतलब इक्वैलेंस रिलेशन है।
तब सोचो कि एक सौ और बाई में दो कोई भी बुक में रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, तो वो बुक में यही रिलेशन है कि दोनों में पेज का संख्या समान है। तो एक तथा बाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। चलो सबसे पहले स्वतुल्य है, कैसे प्रूफ करोगे? क्या ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या? हम अभी बार बार बता रहे हैं कि अगर स्वतुल्य सिद्ध करना है कि दोनों की जगह एक्स रिप्लेस कर दो, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी एक्स सोचो। एक्स में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या, ऐसा लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्स लिखे हैं। तो इसका मतलब एक्स और एक्स इस रिलेशन का हिस्सा है, इसीलिए आर कैसा है? स्वतुल्य है। ठीक है, इसी तरह से अगर सम्मित प्रूफ करना है यहाँ पे, तो सम्मित प्रूफ करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि अगर एक्स का रिलेशन बाई के साथ है, यानी एक्स में पेजों की संख्या बराबर बाई में पेजों की संख्या, अगर ऐसा है तो क्या इसे उल्टा लिख सकते हैं कि बाई में पेजों की संख्या बराबर एक्स में पेजों की संख्या? तो आंसर एक लिख सकते हैं, यानी कि लिख देंगे कि बाई का रिलेशन एक्स के साथ भी है, इसीलिए आर कैसा है? सममित है, सिमेट्रिक है। तो बस इसी टाइप से आपको लॉजिक लिख देना है। नेक्स्ट में हम करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए देखो, लिखेंगे कि अगर एक्स में पेजों की संख्या बाई के बराबर है एवं बाई पुस्तक में पेजों की संख्या जेड के पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर है, तो क्या एक्स और जेड के साथ रिलेशन है? तो आंसर है कि यस है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि से कि एक्स में पेजों की संख्या और बाई में पेजों की संख्या बराबर है। तो लिखना है पूरा, ठीक है, यानी सॉरी, एक्स और जेड में पेजों की संख्या बराबर है, तो यहाँ एक्स और जेड इस रिलेशन का हिस्सा है, इसलिए आर संक्रामक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेट है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लेना है ए माइनस बी सम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि आर जो है वो तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आर तुल्यता संबंध है, तो इसको तुम ऐसे बना सकते हो, एक तो ऑर्डर पेयर या एरो डायग्राम से बना सकते हो, ऑर्डर पेयर लिख के, और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। जैसे देखो, मान लो कि रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य के लिए चेक करना है क्या रिलेशन है, तो सोच लो, तो ए और बी दो नंबर है जो 1 2 3 4 5 में से कोई लेना है, और लिखा हुआ कि मॉड ए माइनस बी कैसा होना चाहिए? सम, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो तुम सोचो कि क्या ए का रिलेशन ए के साथ मिलेगा कि नहीं। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए माइनस ए का मॉड यानी कि जीरो सम संख्या है? तो आंसर है कि बिल्कुल है, जीरो सम संख्या में आता है, 0 2 4 6 -2 ये सब सम संख्या है। क्यों सम संख्या? क्योंकि सब दो से पूरा पूरा कटेगा, तो जीरो सम संख्या है, तो यस, तो हम लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन ए के साथ है, इसीलिए आर कैसा है? स्वतुल्य है। ठीक है, एरो डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट में देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर आप चेक करोगे, अब सोचो कि ए माइनस बी का मॉड अगर सम संख्या है, ठीक है, कहने का मतलब ए का रिलेशन अगर बी के साथ है, तो क्या बी का रिलेशन ए के साथ होगा? क्या बी का रिलेशन ए के साथ होगा? यही हमको चेक करना है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि बी माइनस ए भी सम संख्या है? देखो, मॉड लेने से तुम लोग को पता होना चाहिए कि ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लिखे कि 5 -3 और 3 -5, तो दोनों का आंसर 2 आएगा, दोनों सम संख्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ए माइनस बी सम संख्या है, तो यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बी माइनस ए भी क्या होगा? सम संख्या होगा, यानी कि बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसीलिए आर कैसा है? तो सममित है या सिमेट्रिक है। इसी टाइप से हम लिख सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर प्रूफ करना है,
तो सेम टाइप से लिखना होगा। तो चलो देखो यहाँ पे संक्रामक, तो संक्रामक में भी वैसे ही लिखना है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है एवं बी का रिलेशन सी के साथ है, कहने का मतलब ए माइनस बी का मोड यानी कि डिफरेंस का मोड अगर सम संख्या है, ठीक है, ए अगर सम संख्या है एवं बी माइनस सी का मॉड अगर सम संख्या है, तो यहाँ से कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ए माइनस सी यानी ए का रिलेशन सी के साथ होगा, तो हाँ होगा, ये भी सम संख्या होगा, ठीक है, तो ये सम संख्या है। यानी लिखना होगा कि ए का रिलेशन सी के साथ है, ठीक है, तो इसलिए ए संक्रामक है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हो कि दो और छः, छः में से दो घटाएं चार, सम संख्या है तो हाँ है। छः का रिलेशन मान लो कि आठ के साथ ले लिए, दोनों को घटाए, आठ में से छः घटाए दो, सम संख्या है तो हाँ है। तो क्या दो में से आठ को घटाने से मतलब ए का रिलेशन सी के साथ मिल रहा है कि नहीं, इसका मॉड लेने से सम संख्या है तो हाँ है, तो ये भी सम संख्या ही है, इसलिए ऐसा हम लिख सकते हैं, प्रत्येक केस में लिख सकते हैं, है ना। चलो तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले कह रहा था कि तुल्यता संबंध है, अब कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि एक तीन पाँच के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं इस रिलेशन के अनुसार। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझा देते हैं। जैसे मान लो कि एक सेट है ए और इसमें है 1 3 5 और इसमें भी ले लो 1 3 5, तो कह रहा है कि एक दूसरे के साथ संबंधित है, तो तुम लोग सोचो कि वन में से वन घटाएंगे तो सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा। 1 माइनस 1 का मॉड ले लिए तो 0 सम संख्या है, तो हाँ है। 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होगा क्योंकि एक में से 3 घटाएंगे इसका मॉड लेंगे तो ये 2 आएगा, ये भी सम संख्या है। 1 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा, इसी तरह से 3 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 3 का रिलेशन 5 के साथ होगा, 5 का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, 5 का रिलेशन 3 के साथ भी होगा और 5 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें 1 3 5 में, 1 3 5 में 1 जो है वो सभी के साथ रिलेटेड है, 1 3 5 के साथ, 3 भी जो सभी के साथ रिलेटेड है, 5 भी जो है सभी के साथ रिलेटेड है। तो बस यही क्वेश्चन आपको समझना है कि 1 3 5 सभी के साथ संबंधित है कि नहीं है, तो प्रमाणित कीजिए। आप खाली एरो डायग्राम बना के भी छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दो कि 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी है, इसी तरह 3 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 3 के साथ भी है, 3 का रिलेशन 5 के साथ भी है। सिमिलरली 5 का रिलेशन 1 के साथ है, 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 5 का रिलेशन 5 के साथ भी है, इस टाइप से भी लिख सकते हो। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट में भी वही कह रहा है कि समुच 2 4 के सभी अभी एक दूसरे से संबंधित है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी वही है, आपको ऐसे ही शो करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 4 है और यहाँ भी 2 4 है, तो आप सोचो कि दो में से दो घटाएंगे तो सम संख्या आएगा कि नहीं, इवन नंबर आएगा कि नहीं, तो आएगा। दो में से चार का भी रिलेशन मिलेगा, चार का दो के साथ भी मिलेगा, चार का दो चार के साथ भी मिलेगा, तो एग्जैक्टली वही है। अब नेक्स्ट में देखोगे अगर कह रहा कि परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के साथ संबंधित नहीं है, आप ऐसे सोचो 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के साथ संबंधित क्यों नहीं है, तो संबंधित इसलिए नहीं है क्योंकि एक में से देखो एक में से दो अगर घटाएंगे तो ये सम संख्या नहीं आएगा, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं मिलेगा। सिमिलरली एक में से चार घटाएंगे तो ये भी सम संख्या नहीं आएगा, ठीक है, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली तुम सोच सकते हो कि 3 में से 2 घटाने से क्या सम संख्या आएगा, तो नहीं आएगा, सब ऐसे लिख देना है। 3 में से 4 घटाने से भी सम संख्या नहीं आएगा, तो कोई का कोई के साथ रिलेशन यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि 0 to 12 एक्स, यहाँ पे जेड का मतलब क्या है कि कोई पूर्णांक है, इंटीजर है, ठीक है। अब कह रहा है कि आर प्रत्येक तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करना है कि तुल्यता है, मतलब ये सममित भी है और स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है, ठीक है, ये चेक करना है। तो चलो यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो तुम चाहो तो एरो डायग्राम के द्वारा भी इसको बना सकते हो। जैसे देखो 0 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक है, 12 तक, तो यहाँ पे 12 ले लिए। यहाँ भी देखो कि 0 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक है, 12 तक,
तो पहला देखो रिलेशन क्या है कि R इक्वल टू ए बी में रिलेशन है, ए बी इसी का कोई हिस्सा है, 0 टू 12 तक कोई भी इंटीजर ले सकते हो, और कह रहा है कि ए माइनस बी जो है वो 4 का गुणज है। ठीक है, मतलब 4 में गुणा करने से आता है, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, ए भी गुणज है, 4 में 1 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो भी 8, ये सब 4 का गुणज है। ठीक है, तो तुम सोचो कि 0 का 0 के साथ रिलेशन होगा कि नहीं। जैसे मान लो कि हमको चेक करना है स्वतुल्य, तो बस स्वतुल्य में हमको चेक करना है ए के साथ ए का रिलेशन होगा कि नहीं। तो ये आंसर है कि ए का ए के साथ रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए माइनस ए जो होगा हमेशा 0 आएगा, और 0 सभी का गुणज होता है, तो ये 4 का गुणज है। गुणज मैंने जो गुणा करने से आया, कोई भी पूर्णांक को गुणा करने से आया उसको हम बोलते हैं गुणज। ठीक है, मल्टीपल, तो ए 4 का गुणज है, तयस है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ए का रिलेशन ए के साथ है, तो हाँ है, तो इसलिए स्वतुल्य है। ठीक है, अब मान लिया जाए कि हमको चेक करना है कि इसमें संक्रामक है कि नहीं है, तो इस रिलेशन में, सॉरी, संक्रामक के पहले हम चेक करेंगे क्या चीज, सममित। तो सममित में तुम सोचो कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, मतलब ए माइनस बी का मॉड 4 का गुणज है, तो अभी कुछ देर पहले बताया था कि a माइनस बी का गुणज और b माइनस ए का गुणज, सॉरी, a माइनस बी का मोड और b माइनस ए का मोड दोनों सेम ही होता है। a माइनस बी अगर 4 का गुणज है तो b माइनस ए का मोड भी 4 का गुणज होगा, यानी b का रिलेशन a के साथ है, इसलिए r एक सममित है। इसी तरह से चेक कर लो संक्रामक। संक्रामक में क्या कर सकते हो, a माइनस बी, यानी a का रिलेशन अगर b के साथ एवं b का रिलेशन अगर c के साथ, यानी a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है, मान लो 4m है, एवं b माइनस सी अगर 4 का मल्टीपल है, 4n है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a माइनस सी का मोड भी 4 का मल्टीपल होगा, तो आंसर है कि बिल्कुल होगा, तो इसलिए लिख देंगे कि a का रिलेशन c के साथ भी है, इसलिए r संक्रामक भी है, इसलिए जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो कैसा रिलेशन है, तो तुल्यता संबंध। चलिए, तो इसी टाइप से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में आपको एक उदाहरण देना है जो सममित हो परंतु स्वतुल्य नहीं हो और न संक्रामक हो। तो नेक्स्ट में देख लो, अगर मान लो कि कोई एक उदाहरण देना है तो तुम उदाहरण खुद से भी दे सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे फटाफट हम बता देते हैं अगर उदाहरण देना है तो। जैसे मान लो कि हमको एक उदाहरण देना है जो सममित तो है, न तो स्वतुल्य है, न संक्रामक है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण दिए r इक्वल टू 2 3 3 2, तो बस हो गया। देखो 2 3 का उल्टा 3 2 प्रेजेंट है, लेकिन न तो ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 प्रेजेंट नहीं है, और 3 2, ठीक है, और 3 3 भी प्रेजेंट, मतलब ये सब प्रेजेंट नहीं है। संक्रामक क्यों नहीं है, क्योंकि 2 3 है, मतलब 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है, मतलब 2 2 इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो सममित तो है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। तो पहला का एग्जाम्पल दे दिए। दूसरा का एग्जाम्पल देना है, संक्रामक तो हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न तो सममित हो। जैसे मान लो कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो देखो कैसा एग्जाम्पल लेना है, जो संक्रामक तो हो, स्वतुल्य और सममित न हो। आर इक्वल टू हम ले लिए मान लो 1 2 सिर्फ, ठीक है, तो एग्जाम्पल संक्रामक तो है, क्योंकि ट्रांजिटिव पेयर नहीं बन रहा है, तो संक्रामक तो है, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 1 इसका हिस्सा नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है, और मान लो कि 1 2 है और 2 1 नहीं है, तो सममित भी नहीं है, 2 1 इस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। चलो बहुत सारे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि और एक एग्जांपल ले लिए, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लिए 1 2, ठीक है, 2 3 और मान लो 1 3, ऐसा एग्जांपल ले लिए, तो इसको तुम चेक कर सकते हो, 1 2 है, 2 3 है, तो ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है 1 3, तो 1 3 हाँ है। फिर आप चेक कर सकते हो कि 2 3 3 से कोई नहीं है और 1 3 3 से कोई नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है,
लेकिन स्वतुल्य नहीं है और ना तो सममित है, क्योंकि 1 2 का उल्टा नहीं है, 2 1 नहीं है, और 2 2 3 3 1 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह से लेना कि स्वतुल्य और सममित हो किंतु संक्रामक ना हो, कोई एग्जाम्पल लेना है जो स्वतुल्य और सममित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। जैसे मान लो कि एक सेट है, मान लो 1 2 3, तो 1 2 3 पे ए हम थर्ड नंबर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि ले लिए 1 1 2 2 3 3, तो स्वतुल्य हो गया क्योंकि खुद के साथ रिलेशन हो गया, और इसमें सममित भी होना चाहिए, तो सममित भी होना चाहिए, तो मान लो 1 3 और इंक्लूड कर लिए, तो 1 3 इंक्लूड कर लिए और 3 1 भी इंक्लूड कर लिए, ठीक है, तो 3 1 भी इंक्लूड कर लिए। अब देखो ये ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं, तो शायद ट्रांजिटिव भी हो जाएगा ये वाला, लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल और सोच लेते हैं। चलो तो ये तो हो जा रहा है, इसमें और दूसरा हम लोग और कुछ एलिमेंट इंक्लूड कर देते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे 1 3 है, 3 1 है, और 1 2 और इंक्लूड कर दे रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे इंक्लूड कर दिए, मान लो 2 3 3 2 भी इंक्लूड कर देते हैं। अब चेक करते हैं, उल्टा तो सब प्रेजेंट है, 2 3 3 2 प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि यहाँ पे चेक करते हैं कि 3 2 प्रेजेंट है, ठीक है, और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 प्रेजेंट है, 3 1 प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि ये वाला देखो 3 1 है। अच्छा एक एग्जांपल और छोड़ो, इस एग्जांपल को हटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे देखो मान लो कि एक सेट है 4 6 8, ठीक है, और इस पे एक रिलेशन ले लेते हैं इस टाइप से, मान लो 4 4 6 6 8 8, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे 4 6 इंक्लूड कर लिए, 6 4 इंक्लूड कर लिए, 6 8 इंक्लूड कर लिए, और मान लो 8 6 इंक्लूड कर लिए, तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि 4 4 6 6 8 8 तो है, तो ये तीनों है तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य तो हो जाएगा, 4 6 का उल्टा भी है, 6 4 6 8 का 8 6 है। चलो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है इसको हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 6 है, 4 6 बिलोंग्स टू आर एंड 6 8 बिलोंग्स टू आर, देखो यहाँ पे 4 6 है और 6 8 है, तो इसमें 4 8 भी होना चाहिए था, 4 8 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए 3 हो गया। इसी तरह से 4 और 5 का भी एग्जाम्पल आप खुद से सोच सकते हो, तो आई होप ए 2 हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि नहीं हुआ, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलो एग्जांपल लिख देंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस किसी समतल में, आई होप क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक अगले वीडियो में कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा का हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में कर लेते हैं 11 से 16 तक। चलिए तो ये वीडियो इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।